हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आज हम आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है टैली में, किसी कंपनी में जो हम इंटरेस्ट चार्ज होता है, जैसे हम किसी को लोन देते हैं या किसी से लोन प्राप्त करते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसे हम टैली में कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जैसे हम किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं उसमें जो क्रेडिट पीरियड होता है, क्रेडिट पीरियड का मतलब पेमेंट करने का जो टाइम होता है, उस टाइम में यदि हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो हम पर ब्याज चार्ज होता है, वो हमें उसे पेमेंट करना पड़ता है। और जैसे हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं और समय पर वो पेमेंट नहीं करता है, उस क्रेडिट पीरियड में वो पेमेंट नहीं करता है तो उस पर भी ब्याज चार्ज किया जाता है, तो उससे हमें ब्याज प्राप्त करना होता है। तो वो ब्याज का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो हम आज आप लोगों को बताएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर्स के द्वारा। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन टू टाइप करते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे इंटरेस्ट टू टाइप होता भी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, आप लोगों को इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट करके बताएंगे टैली में कैसे हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसकी एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तथा यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक जरूर करें, तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप जरूर शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी क्लास को अटेंड कर पाएं तथा टैली की फ्री क्लास का लाभ उठा पाएं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर पे, देखते हैं कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज को कैसे पोस्ट की जाती हैं, वो सारा कुछ हम करके आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि भी मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको बताने जा रहे हैं। पीछे आप लोगों ने विल बाय डिटेल वगैरह पढ़ा, चूंकि विल बाय डिटेल से ही रिलेटेड है आपका, चूंकि बिल का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इस क्लास में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को हम कैसे टैली में पोस्ट करते हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यूज करने से पहले उसको एक्टिवेट करना होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, उसे एक्टिवेट करते हैं हम। F11 करके जाएं या फीचर्स पर हम क्लिक करें, अकाउंटिंग फीचर्स में हम चले जाएंगे, या फिर हम A प्रेस करके एंटर करते हुए हम नीचे आएंगे। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत अभी आप लोगों ने पहले बिल वाइज डिटेल पढ़ा, आज की क्लास में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यहाँ से यस करेंगे। उसके अंडर में नीचे एक ऑप्शन है यूज एडवांस पैरामीटर्स, इसे भी हम यस कर देंगे और हम एफ कंट्रोल ए करके सेटिंग को सेव कर लेंगे। सेव कर लिया, हम बैक करके आ गए। एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम वीके टेलीकॉम को हमने 5 पीस सैमसंग J5 तथा 10 पीस सैमसंग गुरु का बेचा, उसके लिए हमें आइटम्स भी बनाने होंगे जो मैं पहले से बना के रखा हूँ। इसमें वीके टेलीकॉम जो पार्टी लेजर है, जो मेरा कस्टमर है, उसका हम यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्रिएट पर चलते हैं और यहाँ हम लिखते हैं वीके टेलीकॉम, एंटर करके आएंगे। अंडर में हम सेंड्री डेटर रखेंगे, चूंकि मेरा कस्टमर है, कस्टमर को अंडर सेंड्री डेटर रखते हैं, सेंड्री डेटर कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का इसमें रोल है, इसलिए इसे हम यस करते हैं। हम एक डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देते हैं, मान लीजिए हम 30 दिन का समय दे दिए हैं कि 30 दिन के अंदर वीके टेलीकॉम को हमारा पेमेंट कर देना है, तो उनका जो क्रेडिट पीरियड है वो 30 डेज है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो अभी मैंने फीचर से जाकर के एक्टिवेट किया है, या हम इसे यस करेंगे। जिस कस्टमर में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है वहां आपको इसे यस करना होगा। उसको यस क्लिक करते ही आपका इंटरेस्ट पैरामीटर्स आ गया, जहां से हम इंटरेस्ट की सेटिंग करते हैं। हम यहां पर जाते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को हम यस कर लेते हैं, एंटर करते हैं। जस्ट नीचे एक ऑप्शन आ गया ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जैसे हमने यस किया तो उससे रिलेटेड यहाँ रेट वगैरह की सेटिंग के लिए नीचे आपको दिख गया। दूसरा ऑप्शन है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, अगर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर चेंज करना चाहते हैं तो उसे हम यस कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से यस कर लेंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन आया ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स, तो इसे अभी हम नो करते हैं, यहाँ जा करके हम इसे नो कर लेते हैं।
इंक्लूड ट्रांजेक्शन्स डेट और जो डेट वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट है डिडक्टेड अमाउंट पर ही ऐड होता है, उस पर डिडक्ट करता है, इसलिए इस दोनों को ऑप्शन को हम यस कर लेते हैं। पुराने टैली वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। या हम एक रेट डिसाइड करते हैं, मान लीजिए हमें 10% पे ब्याज चार्ज करना है, एंटर करते हैं। ये जो हम इंटरेस्ट स्टाइल होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% रख दिया, इंटरेस्ट स्टाइल जो है हमारी, हम मंथली अगर लेना चाहते हैं तो मंथली करें, ईयरली करना चाहते हैं तो ईयरली, कैलेंडर मंथ पे करना चाहते हैं तो कैलेंडर मंथ, हमने यहाँ पर ईयरली सेट कर लिया 365 डे ईयर ऑन। आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट बैलेंसेस को हम कैसे डिडक्ट कराते हैं, आल बैलेंसेस। आल बैलेंसेस का यूज होता है जैसे हम किसी को लोन देते हैं तथा उसे उसी से हम कभी लोन ले भी लेते हैं तो आल बैलेंसेस में करते हैं। अगर हम माल परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है तो उसके लिए क्रेडिट बैलेंस ओनली करते हैं। अगर हम सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को तो उसके लिए हम डेबिट बैलेंस ओनली लेते हैं। तो अभी हम इसमें डेबिट बैलेंस ओनली ले लेते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं एप्लीकेबिलिटी, तो पास्ट ड्यू डेट जो पुराना ड्यू डेट है उस पर, या फिर हम ऑलवेज सेट कर दें, तो यहाँ पर हम ऑलवेज कर लेते हैं। कैलकुलेट फ्रॉम कब से कैलकुलेट होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब से हमने ट्रांजेक्शन किया है वो इफेक्टिव डेट होगा, या फिर हम ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस, जो हमने इनवाइस रेफरेंस में जो ड्यू डेट रखा है उसे हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, जिस डेट जिसे 30 डेज दिया उसके बाद हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एक है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, जो डेट आपने एप्लीकेबल कराया है वहां से होगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं ड्यू डेट ऑफ इनवाइस एंड रेफरेंस। राउंडिंग ऑप्शन है, देखिए राउंडिंग ऑप्शन जो है वो 3 टाइप इसमें है, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग एंड आउट अपवर्ड राउंडिंग। राउंडिंग का मेथड होता है जैसे हम राउंड फिगर में अमाउंट देना चाहते हैं, जैसे 50 रुपीज़ है, तो अगर 50 रुपीज़ कुछ पैसे हो रहा है, अगर हमारा डाउनवर्ड राउंडिंग है तो अगर हम 1 चुनते हैं यहाँ पर, 1 रुपये चुनते हैं तो 50 हो जाएगा, जैसे 50 रुपये 50 पैसे है या 50 रुपये 60 पैसे है, अगर हमने डाउनवर्ड राउंडिंग लगा रखा है तो वो डायरेक्टली 50 रुपये लिख करके आ जाएगा। अगर हमने अपवर्ड राउंडिंग लगा रखा है तो उसमें अगर 50 रुपये 20 पैसे या 50 रुपये 30 पैसे है तो 1 रुपये वो अप करके 51 रुपये हो जाएगा। अगर हमने नॉर्मल राउंडिंग में 1 रुपये चुना है तो नॉर्मल राउंडिंग का मेथड क्या होता है, जो ग्रामेटिकल मैथमेटिकल मेथड है कि अगर 50 रुपये 50 पैसे है या उससे नीचे है तो 50 रुपये हो जाएगा, अगर 50 रुपये 60 पैसे या उससे ऊपर है तो वो 51 रुपये हो जाएगा। ये नॉर्मल राउंडिंग है, बट हम यहाँ राउंडिंग नहीं चुनते हैं, हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल, अगर हमें तीनों राउंडिंग नहीं यूज करना है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अगर हमें अगले ट्रांजेक्शन के लिए चेंज करना है तो हम यहाँ पर डालें, अन्यथा हम इसको एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर उनका मेलिंग डिटेल हम डालते हैं, अगर जरूर समझे तो आप इसको डालें, इसको इस तरह से हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक चीज का ध्यान देना होगा, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट यस नहीं होता है, इसे आपको यस करना होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है उसमें आपको इसको यस करना पड़ेगा। इसको हम यस करके आ जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, मान लीजिए वीके टेलीकॉम को हमने 10 पीस सैमसंग गुरु तथा 5 पीस सैमसंग J5 सेल किया, वो हम उसकी एंट्री करके देखते हैं। तो चलते हैं हम अकाउंट्स वाउचर में, चूंकि हम माल बेच रहे हैं तो हम यहां से एफेट करके सेल्स में आ जाएंगे। आज जो हम लेन देन कर रहे हैं, हम डेट यहां सेट कर लेते हैं, मान लीजिए हम 1 जून को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चूंकि डेट वही शो करता है जो लास्ट ट्रांजेक्शन आपने किया होगा कंपनी में, तो 1 जून को मान लीजिए हम सेलिंग कर रहे हैं, तो यहां हम उनका एक ट्रांजेक्शन, आपका जो रेफरेंस नंबर या डिलीवरी चालान नंबर डाल देते हैं, VK-01 हमने डाल दिया, एंटर करते हैं, यहाँ पर हमने वीके टेलीकॉम चुन लिया, एंटर करते हुए ये इनवाइस डिटेल अगर भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, चूंकि हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ से हम सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ चलते हैं, सैमसंग गुरु हम चुनते हैं, मान लीजिए इसका हम 10 पीस बेच रहे हैं और इसका मेरा सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 1700 रुपये पर पीस। सैमसंग J5 ये मोबाइल फोन है, एज एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। हम यहाँ चलते हैं सैमसंग J5 चुन लेते हैं, ये मान लीजिए हम 5 पीस बेच रहे हैं, 5 पीस, इसका रेट हमने 8500 दे दिया, एंटर करते हैं
और भी कोई आइटम अगर हम देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा बिल वाइज डिटेल, जो बिल वाइज डिटेल फॉर बीके टेलीकॉम, उनका बिल वाइज डिटेल आ जाएगा। चूंकि हम नए खाते पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस चुनते हैं। हमने यहाँ वही बिल नंबर डाल दिया जो हमने ऊपर दे रखा है, बिल चालान नंबर, 30 डेज जो मैंने क्रेडिट पीरियड वहां दिया था 30 दिन का, वो बाय डिफॉल्ट 30 डेज यहाँ पर आ गया है। 1 जुलाई को हमें पेमेंट करना है इनको, सॉरी इनसे प्राप्त करना है, चूंकि मेरे कस्टमर है तो 1 जुलाई को इनको पेमेंट कर देना है। ये हमें पेमेंट देंगे, अगर ये पेमेंट नहीं देते हैं तो हम उस पर ब्याज चार्ज करेंगे जो परसेंट रेट मैंने लगा रखा है। तो इसी पर हम देखते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ओवर रेट पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, अगर हमने वहां यस किया है तो अभी हम चाहें तो यहां से इसका रेट चेंज कर सकते हैं, यहां से चाहें तो हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका बैलेंस चेंज कर सकते हैं, बस हमें बट हमें चेंज नहीं करना है, हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमने उस ऑप्शन को वहां पर नो किया होता तो ये यहां पर आपको नहीं दिखाई देता। एक्सेप्ट करके नीचे आ जाते हैं। अगर हमें नरेशन वगैरह देना है तो हम नरेशन दें, नहीं तो हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। हमने सेलिंग कर दिया, मान लीजिए कि वीके टेलीकॉम ने हमें 1 जुलाई तक पेमेंट नहीं किया, वो मान लीजिए हमें पेमेंट 1 अगस्त को कर रहे हैं, 1 अगस्त को कर रहे हैं, तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि चूंकि हमने जो उनको क्रेडिट पीरियड दिया था वो 1 जुलाई तक का था, और वो पेमेंट अगर 1 अगस्त को कर रहे हैं तो पूरे 1 महीने से कुछ ज्यादा ही दिन लगेंगे, उतने का उनको ब्याज देना होगा। तो हम यहां से जाकर के चेक करेंगे डिस्प्ले से कि जो उनका कितना ब्याज बन रहा है उन पर, तो पेमेंट के साथ उन्हें ब्याज भी पे करना होगा। तो वो हम यहां से जाकर के डिस्प्ले में चले जाते हैं, यहां से डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर चले जाते हैं। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करना है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मेनू, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल्स में जैसे हम हमारे कई सारे कस्टमर हैं जिन पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट कर रखा है, तो वो सारे कस्टमर पर जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा एक पर्टिकुलर डेट तक, वो यहां पर शो करेगा। इसी तरीके से अगर हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा हुआ है और हम पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो वो इंटरेस्ट पेबल में शो करेगा। हमें इंडिविजुअल चेक करना है तो हम लीजर्स में जाएंगे, लीजर पर एंटर करेंगे, वीके टेलीकॉम का हम यहां से जाकर के चेक करेंगे। चूंकि हमारा हमें ब्याज कब चार्ज करना है, 1 अगस्त को, चूंकि 1 अगस्त को पेमेंट करेंगे तो हमें चेक करना है कि 1 अगस्त तक उनका ब्याज क्या बन रहा है, चूंकि उनका जो क्रेडिट पीरियड था 1 जुलाई था, तो हम यहां से जाकर के पीरियड सेट करते हैं। हम चाहे यहां पर क्लिक करें, चाहे हम यहां से जाकर के यहां पर पीरियड सेट करें, 1/4 से हम, सॉरी 1/4 नहीं, हमारा क्या था डेट, 1 जून को हमने पेमेंट किया था, सॉरी माल सेल किया था, 1/6/2020, एंटर करके आते हैं। यहां पर हम 1 अगस्त चुनते हैं, एंटर करके आते हैं। आप देख पा रहे हैं डेट, रेफरेंस नंबर, ओपनिंग बैलेंस, पेंडिंग अमाउंट एंड इंटरेस्ट। 1 जून को वीके टेलीकॉम को माल बेचा गया जो 59,500 रुपए का था, जिस पर इंटरेस्ट लगा है 521.64 रुपए। इनका कुल टोटल अमाउंट बनेगा 59,500, ये है। अभी ये अमाउंट आपका अलग दिख रहा है, तो हम यहां से अगर इसका हमें डिटेल जानना है तो हम अल्ट के साथ F1 करें या डिटेल पर क्लिक करें तो हमें पता चल जाएगा कि इतने का माल इन्हें बेचा गया था, एक जिसका पीरियड था 1 जुलाई, 1 अगस्त को अगर ये पेमेंट करने आ रहे हैं तो 32 दिन का इन पर ब्याज 10% की दर से 521.64 रुपए लग रहा है। तो ये हमने यहां से चेक कर लिया। अब यहां पर इनका जो 521 है, इनके पेंडिंग अमाउंट के साथ अभी ये ऐड नहीं है, तो हमें इस अमाउंट को, इंटरेस्ट अमाउंट को इनके अमाउंट पर ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एडजस्टमेंट हमें करना होगा डेबिट नोट बाउचर में। एक चीज आप जाने, जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो उसके इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट को हम एडजस्ट कहां करते हैं, डेबिट नोट बाउचर में। और अगर हम किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं, उसे हमें पेमेंट करना होता है इंटरेस्ट का, तो वो हम जाकर के क्रेडिट नोट बाउचर में, आप जानते हैं डेबिट नोट बाउचर और क्रेडिट नोट बाउचर, इसमें डेबिट नोट बाउचर जब हम कोई भी परचेज रिटर्न करते हैं तो उसे हम डेबिट नोट बाउचर में रखते हैं, और जब हम कोई भी सेल्स रिटर्न करते हैं तो उसे हम क्रेडिट नोट बाउचर में करते हैं।
फर्स्ट हमें डेबिट नोट वाउचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो हम फिर से फीचर्स में जाएंगे, F1 करके या अकाउंटिंग फीचर्स में जा करके एंटर करेंगे। यहाँ पर हम एंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं इनवाइसिंग में यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, यहाँ से इसे हम यस करेंगे, एंटर करेंगे। इसके नीचे जो ऑप्शन है दोनों क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के, इसे भी हम यस कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके हम इस सेटिंग को सेव कर लेंगे। अब हम चलते हैं, चूंकि हमें इंटरेस्ट को एडजस्ट कराना है तो अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप पे जाएंगे हम, और डेबिट नोट वाउचर को हम अल्टर करेंगे। कहने का मतलब हम डेबिट नोट वाउचर में हमें वाउचर क्लास जनरेट करना होगा इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर हम एडजस्टमेंट कुछ भी हम यहां नेम ऑफ क्लास में डाल सकते हैं। हम यहां डाल देते हैं इंटरेस्ट एडजस्टमेंट या सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, यहां एंटर करेंगे, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंट, इसे हम यस कर लेते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए क्लास यूज करना चाहते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करके बाहर आ जाते हैं। हमने क्या किया, डेबिट नोट वाउचर को हमने उसमें क्लास जनरेट कर लिया। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट के लिए, हम वाउचर्स में चलते हैं। डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9। आप देख पा रहे हैं चूंकि हमने क्लास जनरेट कर रखा था, तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट का क्लास आ गया। अगर हमने क्लास ना बनाया होता तो कंट्रोल F9 करते ही हमारा डेबिट नोट का वाउचर सामने प्रेजेंट हो जाता। हम यहां पर इसको एंटर कर लेते हैं, चूंकि डेट हम 1 अगस्त को पेमेंट एडजस्ट कर रहे हैं, 1 अगस्त को पेमेंट करने आए, तो हम यहां क्या करते हैं डेट चेंज कर लेते हैं, 1 अगस्त कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं डेबिट नोट इधर वाउचर क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, यहां डेट चेंज हो गया। यहां हम इनवाइस नंबर डालते हैं VK-01, ये मेरा इनवाइस नंबर था, जो बिल नंबर था वो हमने यहां डाल दिया। एंटर करके हम नीचे आते हैं, पर्टिकुलर में हमारा VK टेलीकॉम है जिस पर हमें ब्याज चार्ज करना है, एज ए एक दंड की तरीके से ब्याज चार्ज हो रहा है इन पर, चूंकि इन्होंने समय पर पेमेंट नहीं किया। आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने एंटर किया तो जो बिल वाइज डिटेल था उसमें आपका VK-01 करके ये इनका पेंडिंग अमाउंट जनरेट होकर के आ रहा है। एंटर करेंगे हम यहाँ पर, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर करते हुए हम आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं VK टेलीकॉम पर जो इंटरेस्ट लगा हुआ है वो यहाँ पर ₹521.64 ऑटोमेटिकली आ गया, वो इसमें ऐड होकर के आ गया। 59,500 रुपए उनका अमाउंट था बट 60,021.56 रुपए करके आ गया, चूंकि ये अमाउंट उसमें ऐड हो गया, ये अमाउंट आपका उसमें ऐड हो गया। एंटर करते हैं, हम अगेंस्ट कर रहे हैं उसी बिल पर, तो हम अगेंस्ट पर जाएंगे, यहां पर आपका अगेंस्ट बिल नंबर जो है उसी को हम चुन लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहां पर चूंकि इंटरेस्ट हम प्राप्त कर रहे हैं और इंटरेस्ट मेरा क्या है इनकम है, तो हम यहां इंटरेस्ट का लेजर हम बना चुके हैं पहले से। अगर नहीं बना है आप में तो इंटरेस्ट का लेजर आप इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बना लेंगे, क्योंकि यहां आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। हमें आपको अल्टर करके दिखा देते हैं, आप देख पा रहे हैं नेम में यहां पर दिखा रहा है इनडायरेक्ट इनकम, इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट अकाउंट हमने यहां किया, एंटर कर लिया और यहां पर जाकर के एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आपको चलते हैं बैक करके आउटस्टैंडिंग दिखाते हैं, जो अभी तक अमाउंट ऐड नहीं हो रहा था वो अमाउंट यहां आउटस्टैंडिंग में ऐड होकर के आ रहा है VK टेलीकॉम के। अब हम लेजर पे जाएंगे, VK टेलीकॉम पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखें VK टेलीकॉम में ये अमाउंट ऐड होकर के आ रहा है, जबकि अभी आपने पीछे मैंने दिखाया था आपको तो केवल 59,500 दिखा रहा था और 521 रुपए अलग से दिखा रहा था, बट यहां पर वो ऐड होकर के आया। अगर इसका हम डिटेल्ड जानकारी लेना चाहते हैं तो अल्ट प्लस F1 करेंगे। आप देख रहे हैं 1 जून को सेल किया गया 59,500 में, ADR है। 1 अगस्त को ये पेमेंट करने आए तो उन पर जो ब्याज चार्ज किया गया 32 दिन का वो सिंपल इंटरेस्ट, आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट सिंपल है, साधारण ब्याज लगा हुआ है, तो 521 रुपए। साधारण ब्याज में क्या होता है जो मूलधन होता है उस पर ब्याज लगता है, और कंपाउंड में क्या होता है जो हमारा पिछले मंथ का ब्याज होता है वो मूलधन के साथ ऐड हो जाता है फिर उस पर ब्याज लगता है। तो हम बैक करके आ जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम VK टेलीकॉम से पेमेंट को रिसिप्ट करेंगे।
हम कंप्लीट आपको सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट तो कट गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट भी हो गया, उसको हमने एडजस्ट भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, वीके टेलीकॉम से हमें पेमेंट को रिसीव करना है, क्योंकि हमारे वो कस्टमर है और हमें वो ब्याज के साथ पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उनसे पेमेंट को रिसिप्ट करते हैं। पेमेंट जो रिसिप्ट करेंगे वो हम 1 अगस्त को ही कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये अमाउंट है 60,021.64, वो हम यहाँ अमाउंट डाल देते हैं 60,021.64। हमने यहाँ एंटर करा, आप देख रहे हैं बिल वाइज डिटेल आ गया। अगेंस्ट रिफरेंस हम दोबारा वही पुरानी बिल पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए अगेंस्ट रिफरेंस देंगे, यहां से एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। डीआर में चूंकि कैश आ रहा है व्यापार में, तो यहां पर कैश चुनेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हमने यहां इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम एक बार आपको फिर से रिपोर्ट दिखाते हैं कि अब हमारा जो कस्टमर है वीके टेलीकॉम, उसके पास मेरा कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं रह गया है। हम चलते हैं लेजर पर, वीके टेलीकॉम के अंतर्गत देखते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारा पीरियड 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक है, बट अब इनके पास कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं रह गया है, बिकॉज हमने इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट किया। इसके बाद जो इंटरेस्ट के साथ जो मेरा कंप्लीट अमाउंट था, वो वीके टेलीकॉम ने हमें पेमेंट कर दिया। तो वो सारा कुछ हमने आपको इसमें कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट को हमने इम्प्लीमेंट करके आपको इसमें दिखाया, एडजस्ट भी किया, पेमेंट रिसिप्ट भी किया, ये सारा कुछ करके आपको दिखाया। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।